भाई अगर हम वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं तो अभी मेरी बात मानोगे कि नेटफ्लिक्स का कंटेंट जो होता है इन सब चीजों में थोड़ा ऊपर रहता है, बल्कि जब नए शोज आना स्टार्ट हो रहे थे नेटफ्लिक्स के ऊपर लोग इतना ज्यादा उसको अप्रूव नहीं कर रहे थे, तो नेटफ्लिक्स ही था जो मूवीज के ऊपर वेब शोज को दिखा के इन चीजों को ज्यादा प्रमोट करा करता था। तो इस वीडियो के दौरान मैं सात नेटफ्लिक्स के शोज बताने वाला जो काफी हाईली रेटेड है, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करा उनको, मैंने पर्सनली देखा भाई मेरे को बहुत ज्यादा जबरदस्त लगते हैं। तो भाई अगर आपने ये वाले शोज नहीं देखे तो भाई सही में बहुत सॉलिड कंटेंट छोड़ के बैठे हो, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि जब इन शोज को आप खत्म कर लोगे तो आपको थोड़ा ये भी लगेगा काश इसके और एपिसोड होते, अभी खत्म क्यों हो गया, अभी तो शुरू करा था, मतलब इन शोज को और भी ज्यादा देखना चाहोगे इस तरीके से लत लग जाएगी इन शोज की। तो इंट्रो में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि समय कीमती है, सीधे इसको स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला शो है माइंड हंटर जो कि पहली बार 2017 के अंदर आया था। इसकी आईएमडीबी रेटिंग करेंटली 8.6 है और भाई क्या कमाल का ड्रामा और मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलता है इसके अंदर। अब जरा खुद भी सोच के देखो कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके दिमाग में क्या साइकोलॉजी रहती होगी वो मर्डर करने से पहले या फिर कोई क्राइम करने से पहले। ये वाला शो इसी चीज को दिखाने की कोशिश करता है। दो एफबीआई एजेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग जेल्स के अंदर जाते हैं और जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं पर्सनली और उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि इनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने ऐसा क्राइम करा। और भाई सही में जो उनकी साइकोलॉजी होती है भाई रोंगटे खड़े कर देती है। और सबसे ज्यादा डरावनी शो के अंदर ये वाली बात लगती है कि इसके अंदर ज्यादा क्रिमिनल दिखाए पर असली कहानी इंस्पायर्ड है, मतलब असली दुनिया में कुछ लोगों ने ऐसे क्राइम करे होंगे जिनसे इंस्पायर होकर इसके अंदर कैरेक्टर्स डाले गए हैं। तो भाई वो चीज जानने के बाद इस शो के अंदर और भी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखो। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ और इस शो का नाम है हाउस ऑफ कार्ड्स। ये पहली बार 2013 में आया था और आपको बता दो अगर आपको नहीं पता तो नेटफ्लिक्स का सबसे पहला खुद का प्रोड्यूस शो था और नेटफ्लिक्स से सबसे ज्यादा कामयाब शोज में भी इसका नाम लिया जाता है और इस शो की करंट रेटिंग आईएमडीबी पे 8.7 है। इसकी कहानी घूमती है कांग्रेसमैन के बारे में जो कि भाई अपने आपको प्रेसिडेंट बना हुआ देखना चाहता है, लेकिन फिर एक नया यूएस प्रेसिडेंट आता जो कि उसको अपना मनचाहा ओहदा नहीं देता है। फिर वो जो कांग्रेसमैन होता है अपना बदला लेने के लिए निकल जाता है और किस तरीके के अलग अलग चाले चलता है अपना बदला लेते हुए इस शो के अंदर देख के जा रहा हूं। भाई अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देख रखा है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर कितना कड़ा पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया है। तो भाई समझ लो अगर आपको वो वाला ड्रामा दोबारा एक्सपीरियंस करना तो ये वाला शो आप ही के लिए। इस शो के अंदर भाई बहुत अलग अलग षड्यंत्र दिखाए जो कि भाई पूरे टाइम को एंगेज रखेंगे और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट भाई सही में एक कैरेक्टर आपको ऐसा लगेगा कि आप उनको जानते हो भाई, बहुत ही ज्यादा इंटेंस शो है अपने आप में। पहले से इंग्लिश में हुआ करता था लेकिन आज की डेट में हिंदी में भी देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। तो ये वाला शो भाई आपको एक बार जरूर देखना चाहिए अभी तक मिस करके बैठे हो तो डेफिनेटली मस्ट वॉच भाई मेरी नजर में। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। कभी कभी हम कुछ शो ऐसे देखते हैं जिनको देखता के भूल गए, लेकिन ये वाला शो भाई आपके दिमाग की अच्छी खासी ऐसी एक्सरसाइज करा देगा कि आप उसको काफी दिनों तक भूल नहीं पाओगे और दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करते रहोगे कि मैंने क्या देख लिया। शो का नाम है डार्क और इसका पहला सीजन 2017 के अंदर आया था और इस शो की रेटिंग भी आईएमडीबी पे करंटली 8.7 है। अब भाई मैं सही बताऊं अगर मैं 2-3 घंटे भी आपसे ले लूं तो भी सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि भाई सही में सीरीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको आप एक सीजन देख लोगे तो आप उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसका सेकंड सीजन भी देखने लग जाओगे और सेकंड सीजन और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। फिर जाकर कहीं थर्ड सीजन के अंदर चीजें थोड़ा खुलना शुरू होंगी, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेंगे, खत्म होते होते सीरीज पूरी समझ में आ जाएगी। और दोस्तों एक जरूरी सूचना इस शो के बारे में ये भी है कि जब इसको देखने बैठो तो आपका टाइम ट्रैवल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो काफी ज्यादा चांसेस है शो आपको समझ ही नहीं आए, और अगर आप टाइम ट्रैवल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो तो बेटर रहेगा इसको स्किप कर दो क्योंकि मैं कुछ दोस्तों को रिकमेंड कर चुका हूं उनको समझ नहीं आया। तो इसलिए अगर आप भी टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस से अनजान हो तो बेहतर रहेगा इसको स्किप कर दो। सैडली ये वाला शो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल क्योंकि हिंदी में डब नहीं हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है कि इसको हिंदी में डब कर पाना और हिंदी में वो सारे वर्ड्स को इस्तेमाल कर पाना जो उसके अंदर इस्तेमाल करे गए वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से इसको डब नहीं करा जाता है। हालांकि इसकी डिमांड बहुत है इसको डब करें, यानी कि हो सकता है शायद फ्यूचर के अंदर हो भी जाए, लेकिन फिलहाल आज की डेट में इंग्लिश में अवेलेबल है और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो ये वाला शो भाई सबसे जबरदस्त है, एक बार जरूर देखो। हम बढ़ते हैं भाई अगले शो की तरफ। ये वाला शो भाई आप में से 90% लोगों ने जरूर देख रखा होगा। नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा जाना माना शो मेरी नजर में तो यही है, हर किसी को उसके बारे में बात करते हुए देखा, हर किसी को उसको रिकमेंड करते हुए देखा, लेकिन अगर फिर भी उन 10% लोगों में से जिन्होंने उसको अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये आपके लिए इंक्लूड करा है। शो का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स और ये 2016 के अंदर आया था और इसकी करंटली आईएमडीबी रेटिंग 8.7। इसकी कहानी स्टार्ट होती है कुछ दोस्तों से जो कि एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, तो खेलने के बाद सब अपने घर जा रहे होते हैं, रात का टाइम हो गया होता है, तो घर जाते जाते उनमें से एक बच्चा गायब कर लिया जाता है। अब मिस्टीरियस तरीके से गायब होता है, किसी को पता नहीं होता किधर गया, पूरे शहर की पुलिस उसको ढूंढ रही होती है लेकिन पता नहीं चल रहा होता वो गया कहां। शो जैसे जैसे आगे बढ़ता पता चलता है कि उसके पीछे सुपर नेचुरल पावर्स हैं। अभी सुपर नेचुरल पावर्स क्या है, उस बच्चे का क्या होता है, ये तो आप शो देख के जानो। ये वाला तो डेफिनेटली मस्ट वॉच है ही, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, नीचे कमेंट्स में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इसी शो को अपना फेवरेट बता रहे होंगे, तो अगर आपका शो फेवरेट है ये वाला तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। शो का नाम है नार्कोस। ये वाला शो 2015 में आया था और इसकी करंटली आईएमडीबी रेटिंग है 8.8। और दोस्तों बता दूं कि ये वाली सीरीज असली इवेंट से इंस्पायर्ड है जिसकी वजह से सीरीज को और भी ज्यादा देखा जाने लगा, क्योंकि भाई इसके अंदर एक ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार की कहानी दिखाई जाती है और उसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग ड्रग कार्टेल्स के बारे में कहानी दिखाई जाती है, किस तरीके से वो सारे एस्टेब्लिश हुए, उनके कुकर में क्या क्या है, उनके क्या क्या धंधे चल रहे हैं, सब दिखाया जाता है शो के अंदर, जिसकी वजह से शो के अंदर बहुत सारा क्राइम, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है। ये दुर्भाग्यवश की डबिंग कुछ ऐसी है कहीं कहीं पे इंग्लिश में देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे हिंदी में देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे स्पेनिश में देखने को मिलता है, तो ये देखते हुए आपको सबटाइटल का सहारा बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। इसलिए इसके 2-3 एपिसोड से स्टार्ट करना अगर आपको कंफर्टेबल लगे देखने में तो उसको जरूर देखना आगे तक, बहुत मजा आएगा शो के अंदर। खैर हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ और ये एक एनिमेटेड सीरीज है और इसके अंदर एक्शन लेवल वाइज सही में टॉप लेवल का है। इसका नाम है आर्केन और इसका पहला सीजन 2021 के अंदर आया था और आर्केन की रेटिंग अभी तक जितनी
जितनी सीरीज बताई उन सब में सबसे ज्यादा है। इसकी रेटिंग IMDb पे करेंटली 9.0 है भाई। तो भाई समझ सकते हो कि 9 स्कोर करना IMDb पे कोई आसान बात नहीं है। अच्छे अच्छे शोज, अच्छे अच्छे मूवीज को भाई इतना रेट नहीं करते लोग। इसको करा तो भाई समझ सकते हो इसका लेवल क्या ही होगा। इस शो की कहानी भाई अपने गेम का नाम सुना होगा लीग ऑफ लेजेंड्स करके, वो काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है, उसी शो से इंस्पायर्ड पूरा शो है। लेकिन मैं बता दूं ये वाली सीरीज देखने के लिए आपको जरूरी नहीं हमने लीग ऑफ लेजेंड्स का भी खेला हो या फिर देखा भी हो या फिर सुना भी हो। ये शो अपने बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाया गया और उससे इसका कोई लेना देना नहीं है गेम से। तो भाई अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो थोड़ा सा कहानी का ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके अंदर एक पिल्टोवर नाम की जगह दिखाई जो कि दो हिस्सों में बटी होती है। एक तो ऊपर की लेयर होती है जिसके अंदर लोग अमीर लोग रह रहे होते हैं, एक अंडरग्राउंड शहर होता है जिसके अंदर लोग गरीब लोग रह रहे होते हैं जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। लेकिन मैं दोनों जगह की सरकार एक ही है और जो सरकार होती है ऊपर रहने वाले लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, जबकि जाहिर सी बात है क्योंकि पैसे वाले लोगों की ज्यादा चलती है सरकार में। तो उसके अंदर जो अंडरग्राउंड वाले लोग हैं एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी रेवोल्यूशन के दौरान एक लड़की होती है वी नाम की जो कि भाई अपर सिटी में अक्सर जाती रहती है छोटी मोटी चोरी करने के लिए। लेकिन चोरी करते हुए उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज लग जाती है जो कि उसके हाथ में नहीं लगनी चाहिए थी अपर सिटी से ही, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूबल होती है अपर सिटी के लिए। अब इसके आगे कहानी मैं कहूँगा आप शो देख के जानो भाई, डेफिनेटली मस्ट वॉच शो है। इसके अंदर एक्शन बहुत अच्छा है और आप इसको देखने के बाद डेफिनेटली उसको एक मास्टरपीस जरूर बोलोगे। लेकिन मैं पहले बता दूं इसको एनिमेटेड होने की वजह से हल्के में मत लेना भाई, डेफिनेटली गजब का शो है। 9 रेटेड है भाई, 9 समझ लो, उससे पहले जितने भी शो बताएं किसी की 9 रेटिंग नहीं है, इसी की है। तो किसी वजह से है, दुर्भाग्यवश ये सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलता है तो हिंदी वाली ऑडियंस सॉरी आपके लिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देख सकते हो तो भाई एक बार जरूर देखो इस शो को। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ और ये शो नेटफ्लिक्स का सबसे बेस्ट शो है मेरी नज़र में नहीं भाई, मतलब बहुत सारे लोगों की नज़र में। इस शो का नाम है ब्रेकिंग बैड और इसका पहला सीजन 2008 के अंदर आया था। उसकी IMDb रेटिंग भाई लेकिन नहीं मानोगे 9.5 है। और ऐसा नहीं है कि 15-20 लोगों ने रेट करा है, 2-3 हज़ार लोगों ने रेट करा है, इसको 2 मिलियन लोगों ने रेट करा है तो जाके 9.5 हुई है। मतलब समझ सकते हो भाई किसी ने भी इसको 9 से नीचे मुश्किल ही करा होगा, ज्यादातर लोगों ने इसको 9 से 10 के बीच ही रेट करा है तब जाके इसके 9.5 बनी है। तो भाई इससे ज्यादा कहने की क्या जरूरत है शो के बारे में, डेफिनेटली मस्ट वॉच है ही। बात करते हैं कहानी के थोड़ा ओवरव्यू के बारे में। तो कहानी स्टार्ट होती है वॉल्टर वाइट से जो कि केमिस्ट्री का टीचर होता है। वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है लेकिन उसको एक दिन पता चलता है कि उसको भाई लंग कैंसर हो रखा है। अब लंग कैंसर को क्योर करने के लिए उसको बहुत सारी कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी जिसके लिए भाई बहुत सारा रुपया चाहिए होता है। उसको ये भी एहसास होता है कि अगर वो मर गया तो उसके बाद उसकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बंदा होता है, उसने ज्यादा सेविंग भी नहीं करी होती, कभी उसके पास कोई ब्लैक मनी भी नहीं रहा होता है। तो जब उसको पता चलता है कि मैं मरने वाला हूँ तो सोचता है क्यों ना मरने से पहले कुछ ऐसा करा जाए, अपने परिवार को बेटर फ्यूचर देने का प्लान बनाया जाए। तो बंदा क्या करता है कि भाई सड़कों पर निकल जाता है मैथ बनाने। मैथ मतलब भाई एक तरीके का ट्रक होता है, चूंकि वो जैसे पिंकमैन नाम के कैरेक्टर के साथ मार्केट में बेचने की कोशिश करता है। अब इन दोनों की जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ती है भाई शो देख के जानो भाई। यकीन मानो ये सीरीज खत्म होने के बाद आपको जैसे पिंकमैन और वॉल्टर वाइट कैसे कैरेक्टर बन जाएंगे जो ऐसा लगेगा कि आप इन्हें कब से जानते होंगे। दुर्भाग्यवश ये सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलता है, हिंदी बड़ा हुआ ही नहीं है ये वाला, शायद फ्यूचर के अंदर कभी देखने को मिलेगा भी नहीं। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो और शो को अभी तक नहीं देखा तो भाई डेफिनेटली मस्ट वॉच मेरी नजर में, जरूर देखो ये वाला शो। खैर तो दोस्तों यही 7 शो थे जो मैं इस वीडियो के दौरान रिकमेंड करना चाहता था। अब मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना आपने इनमें से कितने देख रहे हैं, कितने नहीं देखे, या फिर कोई और शो जो आपकी नजर में हाईली रेटेड हो लेकिन इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं करा, वो सब नीचे कमेंट में जरूर बताना। अभी की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शेरोमनी साइनिंग ऑफ।